सब जानते हैं रवाम बस नवंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने को है और वो रिटायर्ड हो जाएंगे। क्या आपके इल्म में है कि पाक फ़ौज में जनरलों को रिटायरमेंट पर कितनी मराद मिलती हैं? फ़ौज के सीनियर अफसरान को नवाजे जाना का सिलसिला कब से शुरू है और नवंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के अलावा क्या कुछ मिलेगा? यही सब कुछ आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं उर्दू अलर्ट्स और मैं हूँ डॉक्टर इरफान अज़ीज़। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पाकिस्तान बने अभी चंद महीने ही गुजरे थे कि पहले आर्मी चीफ जनरल फ्रैंक वाटर मासिरवी को एक ब्रिगेडियर का खत मिला। ब्रिगेडियर ने आर्मी चीफ से प्लाट लेने की सदा की। जनरल मासिरवी ने जवाब देते हुए ब्रिगेडियर की दरख्वास्त को रद्द कर दिया। मैं किस कानून के तहत आपको या दीगर अफसरान को प्लाट देता फिरूं? उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, मगर आर्मी अफसरान के प्लाट और दीगर मराद देने की ख्वाहिश उन ब्रिगेडियर साहब के दिल में दबी की दबी रह गई। चार साल बाद जब वही ब्रिगेडियर आर्मी चीफ बने तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में प्लाट कल्चर को फ़रोग दिया। ये आर्मी चीफ कोई और नहीं बल्कि हज़ारा रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल मोहम्मद अयूब खान थे। अर्ली 50 या 60 की दहाई में फौजी अफसरान की तादाद कम थी तो सब को मराद मिल जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। ज़रई ज़मीन की अलाटमेंट हक नहीं बल्कि दस्तियाबी से मशरूत होती है और वैसे भी खिदमात के सिले में मराद का सिलसिला अंग्रेज़ दौर से चलता आ रहा है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में खिदमात के बदले खिताबात, वजीफ़े और ज़मीन इनाम में दी जाती थी। अंग्रेज़ की खिदमात के बदले किसी को नवाब तो किसी को खान का टाइटल मिलता था। सर का खिताब देने वाले तो बहुत ही खुशकिस्मत समझे जाते थे। साबिक आर्मी चीफ जनरल अयूब खान के साहबजादे और पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा गौहर अयूब ने अपनी किताब में लिखा, उनके दादा को घोड़सवारी का शौक़ था। वो अंग्रेज़ों को घोड़े भी बेचा करते थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें फ़ौज में मुलाजमत दी, वो अनपढ़ थे लेकिन फिर भी अपनी खिदमात के बदले में अंग्रेज़ दौर में मराद लेने में कामयाब रहे। पाकिस्तानी फ़ौज में अफसरों को मराद देने का निज़ाम पहले से वजह करता है जिसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती रहीं। फौजी अफसरान को रिटायरमेंट के बाद प्लाट, घर और दीगर मराद मिलती हैं। उसका ताल्लुक फ़ौज में गुजारे गए वक्त से होता है। अस्करी हुकाम के मुताबिक फ़ौजी अफीसर्स को मुलाजमत के पहले दिन ही एक ऑप्शनल फॉर्म दिया जाता है जो आर्मी हाउसिंग की रुकनियत इख्तियार करने का होता है। रुकनियत हासिल करने वाले को 1,00,000 डाउन पेमेंट देनी होती है और फिर उसकी तनख्वाह से कटौती होती रहती है। ज़ाब्ता कार के तहत जब कोई फ़ौजी अफसर 15 साल सर्विस कर लेता है तो फिर वो एक प्लाट का हकदार हो जाता है। इस अरसे में ज़्यादातर अफसरान मेजर के रैंक तक पहुंच चुके होते हैं, यानी मेजर के अहदे से ही फ़ौज में मराद मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद जब एक अफीसर तकरीबन 25 साल तक मुलाजमत कर लेता है तो उसके बाद वो मराद के दूसरे पैकेज का हकदार हो जाता है। 25 साल की मुलाजमत के बाद अफीसरान कर्नल या ब्रिगेडियर के रैंक पर पहुंच चुके होते हैं। जबकि ब्रिगेडियर वार कोर्स कर लेता है तो उसके बाद वो 2 कमर्शल, 1 रिहायशी प्लाट का हकदार हो जाता है। इस कोर्स के बगैर ब्रिगेडियर 2 रिहायशी और 1 कमर्शल प्लाट हासिल करता है। मेजर जनरल बनने से 1 इजाफी प्लाट मिल जाता है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल 4 प्लाटों तक का हकदार होता है। ये प्लाट रिहायशी और कमर्शल होते हैं, अलबत्ता ये मुख्तलिफ शहरों में अलाट किए जाते हैं। एक 4-स्टार जनरल जो सर्विसेज चीफ भी बन सकता है उसे रिटायरमेंट पर 3 सरकारी मुलाजमीन भी दिए जाते हैं। उनमें 1 घर का मुलाजिम, 2 टेलीफोन ऑपरेटर और 3 ड्राइवर होता है। लेफ्टिनेंट जनरल अगर कोर कमांडर भी रहा हो तो ऐसी सूरत में 3 साल तक इस अहदे पर रहते हैं। DHA के हर नए सेक्टर में कोर कमांडर को प्लाट दिया जाता है। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक दौर के बाद आर्मी अफीसरान के मराद में ज़्यादा इजाफा किया गया और उसके बाद इसमें मुसलसल इजाफा ही होता रहा। फ़ौज में मेजर के अहदे से मराद का सिलसिला शुरू हो जाता है। ताम ज़राई ज़मीन कर्नल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक अफीसर्स को तकरीबन 2 मुरबा ज़राई ज़मीन 99 साल की लीज पर दी जाती है, जबकि जनरल को मज़ीद इजाफी ज़मीन मिलती है। ये अफसरान रिटायरमेंट के बाद आर्मी की हाउसिंग कलोनियों में घर भी हासिल करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद के मुताबिक फ़ौजी अफीसरान को जो ज़राई ज़मीन लीज पर मिलती है वो बंजर होती है, उसे आबाद करना एक मुश्किल काम होता है। ये नहरी भी नहीं होती,
इसके लिए ट्यूबवेल का इंतज़ाम फौजी अफीसर ने खुद करना होता है। वो कहते हैं उन्हें चोलिस्तान में 50 एकड़ ज़राई ज़मीन मिली जिस पर वो 7 साल तक काम कराते रहे। रेत ज़्यादा होने की वजह से 25 एकड़ से रेत निकाल कर दूसरे 25 एकड़ पर डाल दी गई, मगर ये ज़मीन दूर होने की वजह से उन्हें 75 लाख में फ़रोख्त करने पड़ी। ये ज़मीन फरोख्त करने के लिए GHQ से इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है। जनरल अमजद के मुताबिक उनके दौर में फौजी अफीसरान को कैंट में मिलिट्री लैंड पर घर लीज पर दिया जाता था, जिसे वो 20 साल तक फरोख्त करने की इजाज़त नहीं होती थी। उनका कहना है कि अब फौजी अफीसरान को आर्मी के हाउसिंग सोसाइटियों में प्लाट और घर अलाट किए जाते हैं। फौजी अफीसरान को उनके अहदे के अतबार से रिटायरमेंट के बाद ज़राई ज़मीन भी अलाट की जाती है। साबिक आर्मी चीफ रहील शरीफ को लाहौर में 90 एकड़ ज़मीन की अलाटमेंट खबरों की जीनत बनती रही। ये ज़मीन सर्दी इलाके की ज़मीन कहलाती है। आपके इल्म में होना चाहिए कि जनरल रहील शरीफ को 3 शराइत पर GHQ की तरफ से ये ज़मीन 33 साल की लीज पर दी गई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ताकतवर अहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का समझा जाता है। 2019 में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की। जनरल बाजवा अपने 3 साल एक्सटेंशन की मुद्दत के बाद इसी साल नवंबर में रिटायर्ड होने जा रहे हैं। पाक फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तखार पहले ही बता चुके हैं कि जनरल बाजवा एक बार फिर से एक्सटेंशन लेने के मूड में नहीं हैं, लिहाजा वो वक्त पर रिटायर हो जाएंगे। तो इस हिसाब और कायदे कानून के मुताबिक जनरल कमर जवेद बाजवा को अपनी पेंशन और कई प्लाट के साथ साथ ज़राई अराजी भी दी जाएगी। उन्हें अलाट होने वाली ज़मीन पर दरख्त लगाने होंगे, ताम वो इस ज़मीन पर रिहायशी स्कीम नहीं बना सकेंगे। फ़ौज का इदारा जब मर्जी चाहेगा वो जनरल बाजवा से बवक्त ज़रूरत ये ज़मीन किसी भी वक्त वापस ले सकता है। याद रहे कि जंग हर वक्त तो नहीं हो रही होती, तो इसी वजह से सरहदी स्कीम के तहत मकामी लोगों और रिटायर्ड फ़ौजियों को ये ज़मीन अलाट की जाती है। इसका एक मकसद वहाँ दिफा को यकीनी बनाना भी होता है। जब फ़ौज सरहदी इलाके खाली कराती है तो फिर ये फ़ौजी अफसरान बिना किसी उज़र के ज़मीन वापस करने के पाबंद होते हैं। मैं अपनी एक वीडियो में पाक फौज के कमीशनड अफीसर्स की तनख्वाहों के बारे में बता चुका हूं। याद रहे कि 20वें पे स्केल के ब्रिगेडियर या 1 स्टार जनरल की तनख्वाह 1.5 से 2.25 लाख होती है। प्रमोशन के बाद ब्रिगेडियर 21वें स्केल का मेजर जनरल बनता है, जिसकी सैलरी औसतन 2 लाख होती है। 22वें पे स्केल के लेफ्टिनेंट जनरल को तनख्वाह की मद में हर महीने 2.5 से 3 लाख और ढेरों मरात मिलती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की पाकर 4 स्टार जनरल बनता है। जनरल का पे स्केल होता है एपिक्स, यानी एक जनरल की तनख्वाह का तायुन उसकी मुद्दत मुलाजमा सीनियरिटी और दीगर पेशा वराना अमूर को मद्दनज़र रखते हुए लगाया जाता है। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार कमर जवेद बाजवा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नदीम रजा सिर्फ 2 जनरल हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हामी व नासिर।